नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। चुनाव से ठीक पहले कामगारों के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। आज 2 करोड़ श्रमिकों को दिया जा रहा है भत्ता और हर एक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया था। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते असंगठित क्षेत्र के 2 करोड़ मजदूरों को भत्ता दिया जा रहा है। भत्ता दिसंबर से मार्च तक यानी कि 4 महीने तक लगातार दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और मानस हमारे साथ मौजूद हैं। तो मानस, ये बड़ी सौगातें चुनाव से पहले और श्रमिकों की अब बल्ले बल्ले। देखिए, मुफ्त राशन, मुफ्त स्मार्टफोन, मुफ्त टैबलेट और अभी 80,000 आशा बहुओं को भी मुफ्त में उनको फोन दिए गए थे। इसके बाद ये एक और बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए। ये वो मजदूर हैं जो दिहाड़ी पे काम करते, असंगठित क्षेत्र में कभी काम मिला और कभी नहीं मिला। लिहाजा कोरोना महामारी में कई बार देखा गया कि जो दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं उनको उनके गुजारे भत्ते का इंतजाम नहीं हो पाता, इसलिए 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से योगी सरकार ने आज उनके खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर वो करने जा रहे हैं। लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यानी 2 किस्तों में पैसा जाएगा। 4 महीने का 2,000 रुपया हुआ तो 1,000 रुपए इस बार और 1,000 रुपए इसके बाद दिया जाएगा। और ये इस लिहाज से दिया जाएगा कि अगर महामारी का दौर बढ़ता है और उनको काम नहीं मिलता तो उनका भरण पोषण हो सके, इस लिहाज से ये भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का अपना इसमें मत है, उनका कहना है कि चुनाव से पहले योगी सरकार लोगों को रिझाने के लिए, आम लोगों को रिझाने के लिए इस तरीके से एक के बाद एक तोहफे दे रही है। लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है और हर चीज को इस वक्त हर फैसले को सियासत से जोड़ के ही देखा जाता है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आज कामगारों के खातों में 1,000 रुपए पहुंच रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज का, जल्दी से रुक करते हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर के बाद आज अंबेडकर नगर में बीएसपी को एक और झटका लगा है। आज बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिता और पूर्व सांसद राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव बीएसपी नेताओं के पार्टी ज्वाइन कराएंगे। जी हाँ, बीएसपी नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है मानस। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पिछले 2-3 महीनों पे नज़र डालें तो समाजवादी पार्टी ने जो तमाम बड़े कद्दावर नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया है। इसकी 2 वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो ये कि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार बढ़ा है और बसपा का जो ग्राफ गिरा है, तो बहुत सारे जो बड़े कद्दावर नेता थे जिसमें राम अचल राजभर जैसे नाम भी शामिल है, जो कभी मायावती के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो भी जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो वो बेल्ट जहां पर कभी बीएसपी का दबदबा हुआ करता था, जिसमें अम्बेडकर नगर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जिला था, और वहां से आज पूर्व सांसद राकेश पांडे अगर शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो रही है और मायावती के लिए एक और बड़ा झटका। आते हैं आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। लखीमपुर हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल। यूपी पुलिस ने अदालत में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया। चार्जशीट में एक नाम और बढ़ाया गया है, मंत्री टेनी के रिश्तेदार ब्लॉक प्रमुख पलिया वीरेंद्र शुक्ला का नाम चार्जशीट में डाला गया है। तो यहां से मुश्किलें बढ़ रही हैं मानस मिश्रा परिवार की। देखिए, इसको 2 नजरियों से हम लोग देख सकते हैं। पहला नजरिया यह है कि भारतीय जनता पार्टी यह बात जो बार बार कहती है कि उसके लिए कानून से बड़ा कोई भी नहीं, चाहे भले ही उसकी पार्टी का ही सदस्य क्यों ना हो। तो जब SIT और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो आपने देखा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे तक का नाम उसमें है, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके अलावा एक नाम अलग से जोड़ा गया, पहले जो 13 लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए थे, अब उसमें एक 14वां नाम और जुड़ गया, वीरेंद्र शुक्ला, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी जो बार बार कह रही है कि उसके लिए कानून सबसे ऊपर है, पार्टी या उसके बड़ा कोई नेता भी उसके लिए कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से हमलावर है। वो पहले इस बात को लेकर सवाल खड़ा करता रहा कि सरकार जो है अपने मंत्री को और उनके परिवार को बचा रही, और अब वो इस बात पर हमलावर हो जाएगा कि हम लोग पहले ही कह रहे थे कि दोषी हैं केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री के बेटे, और आखिरकार उनका ही नाम सामने आया। तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कानून से बड़ा उसके लिए कुछ नहीं है, जो आम जनता उसकी हिफाजत से बड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस श्रीवास्तव, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इन बड़ी खबरों पर यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज 24।